उधर तो शाम में अपनी मांग को लेकर एसडीएम को मजदूर यूनियन के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। आपको बताएं कि ज्ञापन गांव में मनरेगा कार्य लागू करने को लेकर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि मनरेगा में बहुत ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए और जो भी मनरेगा का अधिकारी या कर्मचारी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। बता दें कि ये मजदूरों ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो एसडीएम कार्यालय के सामने धरना देंगे। आज हमारी ये जो 16 सूत्री मांग मुद्दों का मनरेगा और भवन निर्माण की ज्वाइंट मांग मुद्दों का ज्ञापन दिया हमें तहसीलदार के माध्यम से भी दिया है, एसडीएम महोदय के उपस्थित मतलब उसके अधिकारी को सौंपा गया है। और मांग ये होगी सबसे पहले तो सभी गांव में मनरेगा का काम लागू किया जाए क्योंकि रोजगार का सबसे बुरा हाल है जी। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रोजगार, आज इस पैमाने पूछ गया कि वो रोजगार दिखाई नहीं दे रहा। खेती में घाटे का सौदा है, वहाँ किसान भी दुखी है, तो मनरेगा उसमें कुछ राहत दे सकता। तो हम ये करें कि किसान को राहत मिल जाए और मनरेगा मजदूर को रोजगार मिल जाए, इसलिए मनरेगा